सबल सागर गांव के ग्रामीणों ने बताया कि 2 महीने पहले ग्राम पंचायत द्वारा चंबल कनेक्शन के लिए 2200 रुपए की रसीद काटी गई, फिर भी अभी तक कनेक्शन हुए पानी नहीं आया। वहीं चंबल ठेकेदार ने पाइपलाइन डाली, वह भी पूर्व में ग्राम पंचायत द्वारा बनाई गई नाली में ही चंबल की पाइपलाइन डालकर कर रहे लिपापोती, जबकि नाली में गांव का गंदा पानी बहता रहता है, जबकि क्षेत्र का सबसे बड़ा चंबल प्लांट इसी गांव में बना हुआ है, फिर भी पूरा गांव व मवेशियों को प्यास बुझाने के लिए पानी के लिए टैंकरों से काम चलाना पड़ रहा है। 2 दिन पहले पंचायत समिति की साधारण सभा में प्रधान ऐश्वर्या रावत ने चंबल अधिकारियों को आमजन को पानी से हो रही समस्या के लिए फटकार लगाई थी, फिर भी अधिकारी व ठेकेदार को कुछ फर्क नहीं पड़ा। गांव में विभिन्न जगह पर खड्डे पड़े हुए हैं, जिससे ग्रामीणों को आने जाने की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व में ग्रामीणों ने 4 गांव मिलकर ज्ञापन दिया।